दोस्तों इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 6 करोड़ बंगालियों के दिल जीत लिए। जी हाँ दोस्तों, शेख हसीना वाजिद जिसको बांग्लादेश से निकाल दिया गया और बांग्लादेश से निकलकर भारत में उसने अपना घर बसाया। अब दोस्तों नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना वाजिद से शादी करने का ऐलान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल चुकी है। नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ शेख हसीना को अपने मुल्क में पनाह दी बल्कि उसका घर भी बसा दिया। नरेंद्र मोदी जो कि खुद बहुत ही बड़ी उम्र के हैं और उनको शादी करने के लिए लड़की की ज़रूरत थी, इसलिए दोस्तों शेख हसीना वाजिद से उन्होंने शादी करने का ऐलान कर दिया। दोस्तों ये खबर सोशल मीडिया पर काफ़ी देर से चल रही है, लेकिन दोस्तों मैं आपको इस खबर की वजाहत करते हुए बताता चलूं कि ये खबर बिल्कुल ही झूठ है। आपको जहां पर भी ये खबर सुनने को मिले, आप लोगों ने ये खबर नहीं सुनी, क्योंकि दोस्तों ये एक मन घड़ा कहानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शेख हसीना वाजिद सिर्फ इंडिया में रहने के लिए गई हैं, ना कि नरेंद्र मोदी से शादी करने के लिए। नरेंद्र मोदी शेख हसीना से शादी नहीं कर रहे। दोस्तों इस खबर में कोई भी सदाकत नहीं है, आप लोगों ने ऐसी किसी भी खबर पर यकीन नहीं करना। शेख हसीना ने बांग्लादेश को छोड़कर अब इंडिया में रहने का फ़ैसला किया और शायद वहीं पर किसी के साथ शादी भी करेंगी, लेकिन जिनसे शादी करेंगी वो नरेंद्र मोदी नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब